हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल आदित्य व्लॉगर में स्वागत है। और गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो कि अपने व्हाट्सएप को अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप में भी रन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको खोलना होगा अपना क्रोम ब्राउज़र जो है। बस क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको सर्च में जाना होगा और सर्च करना होगा आपको व्हाट्सअप वेब। जैसे आप देख सकते हैं, मेरा सर्च हिस्ट्री में व्हाट्सअप वेब है, तो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खुल चुका हमारा। और गाइस, जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। इस व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करने के बाद, व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का लोडिंग हो रही है। थोड़ा टाइम लगता है इसमें। जैसे आप देख सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप खुल चुका है गाइस, क्योंकि मेरा लॉगिन नहीं था व्हाट्सएप में। उसको आपको लॉग आउट करके फिर लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक QR कोड स्कैन करने का आ चुका है। और गाइस, बाद में देखेंगे, बाद में स्कैन करेंगे, सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में बताया गया है, सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सअप खोलना है। उसका आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। गाइस, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके पास 5 ऑप्शन आएंगे। 5 ऑप्शन में से आपको 3rd ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि हमारा व्हाट्सअप वेब। और गाइस, व्हाट्सअप वेब पर क्लिक करने के बाद जो कि आपके पास आ जाता है ऑप्शन, यहाँ पर बताया गया है कि डायरेक्ट स्कैनर खुल जाता है। तो गाइस, ऐसा नहीं है, स्कैनर डायरेक्ट नहीं खुलता है। सबसे पहले आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में, यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक प्लस का आइकन है साइड में। प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद आपका जो है स्कैनर खुलता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्लस का आइकन, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करूँगा। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा स्कैनर खुल चुका है। तो गाइस, अब मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ और व्हाट्सएप को लॉगिन करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से होगा ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर QR कोड है। और गाइस, ये मैंने अपना खोल चुका हूँ मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करके स्कैनर। गाइस, मैं कर लेता हूँ स्कैन। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हो चुका है स्कैन। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खुल चुका है हमारा व्हाट्सअप। गाइस, इसका एक बढ़िया फीचर ये है कि आप इसमें जो भी आप मोबाइल के अंदर कर सकते हैं वो सभी इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें स्टेटस तक देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्टेटस खुल चुका है। और बाहर अगर आपको नोटिफाई भी करना है तो गाइस देखिएगा, आपको नोटिफाई भी करना है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, उस पर आप अलाउ दबा दीजिए, तो आपको जो भी आपके नोटिफिकेशन होंगे व्हाट्सएप के, वो आपके पीसी में भी आने लगेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस, बेल, अगर इसी वीडियो और चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर मैं वीडियो डालूंगा तो। गाइस, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।